इनिशियल वेलोसिटी जीरो है एंड मूव्स विद दी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी बढ़ना ही चाहिए. सो ऐसी इक्वेशन कहाँ मिल सकती है? ऐसी इक्वेशन होगी वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. इफ वी रिमूव दिस सो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस. सो वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस. इट इज द पैराबोलिक इक्वेशन. ये क्या होगा बेटा? पैराबोलिक इक्वेशन होगा. हमने पढ़ा था वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ. तो अब ये तो आंसर नहीं हो सकता और ये आंसर नहीं हो सकता. अब इसको देखो और इसको देखो. जब इसको देखते हो तुम तो यहाँ पर टाइम के साथ डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है? वेलोसिटी घट रही है और फिर जाकर कांस्टेंट हो गई. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? वेलोसिटी शुरू में जीरो है और फिर बढ़ने लग गई. सो द करेक्ट, और हमारे साथ हो भी यही रहा है कि धीरे धीरे वेलोसिटी कैसी हो रही है? बढ़ती ही जा रही है. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, फोर्थ.